हमारी मांग ये है कि अब हमारे सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया है 2% जो मार्केट फीस के रूप में, जो 2014 में हुड्डा सरकार ने ख़त्म कर दिया था। इस टाइम में हमें जो इनाम दिया गया वो जो सरासर गलत है। हमने तो समाज की सेवा की है, इस महामारी में आगे बढ़कर लोगों की सेवा करी। हालांकि सब्जी मंडी वाले आढ़ती एसोसिएशन पूरी सब्जी मंडी खोलने के हक में नहीं थी इस महामारी में, परंतु प्रशासन ने हमें कहा कि इस महामारी में सरकार ने आदेश भी दिया और सहयोग करने की अपील भी की, ताकि शहर की जनता को, जींद की जनता को सब्जी की किसी प्रकार की कमी ना हो। परंतु हमने तो बलिदान दिया, परंतु बलिदान के बदले सरकार ने हमें एक तोहफा दिया है जो कि हमारे को, हमारे विरुद्ध, हमारे अच्छे के लिए तो है नहीं। एक किस्म के इस समय में ये तोहफा देना सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। हम इसका कट्टर विरोध करते हैं, पूरे हरियाणा एसोसिएशन इसका विरोध करती है, और मुख्यमंत्री से और हमारी सरकार से हम मांग करते हैं और विनती करते हैं कि ये फीस तुरंत वापस ली जाए। पहले ही मंदे की मार चल रही है, लोगों के पास काम नहीं है, और लोगों को, व्यापारियों को तो रियायत दी जा रही है, डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा दिया जा रहा है, हमारे को इनाम के तौर पे फीस लगाई जा रही है। ये सरासर गलत है। हम ये हरियाणा लेवल पे इसके बारे में मंथन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से जी माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसको हम उचित माध्यम से वहाँ भेज देंगे। और इसमें मार्केट फीस जो अभी सरकार ने सब्जी मंडी पर लगाई है उसके संबंध में ज्ञापन है, और जो भी इनकी मांग है वो हम आगे इन मांगों को ऊपर पहुंचा के, और जो भी कार्रवाई हमारी तरफ से बढ़ती है हम कर देंगे।